हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने रोहतक में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव पर कहा कि 3 राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी और तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस में मुकाबला है। इस एशियन गेम्स को लेकर भी हुड्डा बोले कि हरियाणा के खिलाड़ी सबसे ज्यादा पदक लेकर आए हैं। जो ये जिन राज्यों के चुनाव हो रहे हैं उनमें 3 में तो कांग्रेस का साफ है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, वहां कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है और तेलंगाना में बीआरएस का और कांग्रेस का मुकाबला है और वहां क्योंकि लोग इस बात को समझ चुके हैं, अब लोगों का रुझान कांग्रेस की ओर हो रहा है। अब जो एशियाड हुए थे इस बात की मैं कह रहा हूँ, एशियाड में बहुत अच्छे भारत का प्रदर्शन रहा है और उसमें सबसे ज्यादा अच्छा प्रदर्शन हरियाणा के खिलाड़ियों का रहा है। तो मेरा इनसे हरियाणा सरकार से ये है कि जो हमारे समय में हमने नीति बनाई थी, पदक लाओ पद पाओ, और जो जिस प्रकार से आए थे, किसी को डीएसपी भर्ती किया हमने, किसी को क्लास वन ऑफिसर भर्ती किया, इस सरकार ने 9.5 साल में कोई एक भी डीएसपी भर्ती नहीं किया, एक भी क्लास वन ऑफिसर नहीं बनाया और जो जो 3 करोड़ था गोल्ड मेडल का वो 5 करोड़ जरूर किया है, वो नाकाफी है। इसका गोल्ड मेडल का 2 से 3 करोड़ किया है, तो गोल्ड मेडल वाले को तो 5 करोड़ कम से कम देना चाहिए, सिल्वर मेडल वाले को 3 करोड़, ब्रोंज को 2 करोड़ और उनको भर्ती करना चाहिए डीएसपी के लेवल तक, सबको भर्ती करना चाहिए।